हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें ताकि आप देख पाए हमारे सारे वीडियोस सबसे पहले। 15 अगस्त 2019 को बॉक्स ऑफिस पर पहले अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम की फिल्मों का क्लैश हो रहा था, मगर अब इस टक्कर में बाहुबली प्रभास कूद पड़े हैं, जिनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म साहू स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज की जा रही है। बाहुबली 2 द कंक्लूजन के बाद प्रभास साहू के जरिए ही पर्दे पर वापसी करेंगे, जिसकी वजह से इस फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच काफी उत्सुकता है। साहू बहुभाषीय फिल्म है, जिसे तेलुगु के अलावा हिंदी और तमिल में भी बनाया जा रहा है। साहू मेगा बजट फिल्म है, जिसके निर्माण में 200 करोड़ का खर्च किया जा रहा है। इसके एक्शन पर ही 90 करोड़ का खर्च आया है। कुछ सीक्वेंस अंडर वाटर भी शूट की जा रही है, जिनके लिए प्रभास ने स्कूबा डाइविंग की ट्रेनिंग भी ली है। साहू में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रॉप्स को तैयार करने में ही 60 दिन का वक्त लगा। 400 तकनीशियनों के क्रू ने इसे अंजाम दिया है। साहू को सुजीत डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म में नील नितिन मुकेश, जैकी श्रॉफ और चंड यह है कि बाटला हाउस और साहू दोनों के निर्माण में भूषण कुमार जुड़े हैं। 15 अगस्त 2019 को इन तीन फिल्मों के अलावा एक और फिल्म रिलीज के लिए सिलेक्टेड है। वैसे 2018 में अक्षय और जॉन की फिल्म गोल्ड और सत्यमेव जयते एक साथ 15 अगस्त को रिलीज हुई थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है, ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।